नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं फिर दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे, शुरू से स्टार्ट करते हैं बिल्कुल फ्रेश। हम स्टार्ट करेंगे आज मैथमेटिकल सिंबल से, ठीक है। सारे लोगों को मैथमेटिक्स के सिंबल्स के बारे में पता होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे दिमाग से चीज़ें स्लिप कर जाती है। तो आज बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे इक्वल टू को लिखते कैसे हैं। और अगर आपको ये पता है कि हम लिखते कैसे हैं तो उसे बोलते कैसे हैं, ये पता होना चाहिए। सबसे पहला है अपना इक्वल्स टू। इक्वल्स टू का साइन होता है डबल बार, दोनों इक्वल में होना चाहिए, इसको इक्वल्स टू बोलते हैं। दूसरा वाला है नॉट इक्वल्स टू। इक्वल्स के में एक बीच से लाइन आती है क्रॉस करते हुए, इस वजह से ये नॉट इक्वल टू होता है। तीसरा है आइडेंटिकल इक्वल टू, इसमें तीन बार होते हैं। चौथा है आपका करस्पॉन्ड्स टू, दो बार और एक ऊपर से ट्रायंगल साइज का, ठीक है। पांचवा है अपना अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये दो वेव के जैसा लाइनें। छठा है अप्रोचेस प्रोपोर्शनल टू, इन्फिनिटी स्मॉलर देन इक्वल टू, लार्जर देन इक्वल टू, मच लार्जर देन, ए मल्टीप्लाइड बाई बी में देखिए, लोग सबको पता होता है कि ए और बी को हम अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो किस तरीके से होगा, लेकिन उसको बोलने के लिए थोड़ा सा दिक्कत आता है। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे कर रहे हैं, ए मल्टीप्लाइड बाई बी, मतलब ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ। अगर इनकेस बी ऐसे होता तो इसका होता b मल्टीप्लाइड बाई ए। उसी तरीके से है डिवीज़न वाला, a डिवाइड बाई b, a अपॉन b, इसको a अपॉन b ही बोलते हैं इस तरीके से। और एक ये वाला भी है a b टू द पावर माइनस वन, ये भी a डिवाइड बाई b ही होता है, उसको भी अगले वीडियो लेक्चर में हम इसको और बढ़िया से क्लियर करेंगे। सबसे लास्ट वाला है मैग्नीट्यूड ऑफ a, जिसको हम बोलते हैं मॉड ऑफ a। अगर इसको हम लिखते हैं ओपन होगा तो एक होगा प्लस में, एक होगा माइनस में, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, चलिए फिर अगले वीडियो में हम देखते हैं। धन्यवाद।